हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस लेक्चर में आपके साथ शेयरिंग करने वाला एसवाई बीकॉम सेमेस्टर 3 कोस्ट अकाउंट जिसे हम गुजराती में कहते पड़तर हिसाबी पद्धति 1 का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर आप चैप्टर नंबर 4 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है, बिकॉज ऑफ चैप्टर नंबर 4 का एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, आप हमारी प्ले लिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 4 की वेरी इंपॉर्टेंट मेथड आपके सामने सॉल्व करने वाला हूं, जो कि गुजरात यूनिवर्सिटी 2018 में आया था। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए पूरा वीडियो आपको एंड तक देखना है, कहीं पे भी स्किप नहीं करना। और इस बुक की मैंने लेटेस्ट पेपर स्टाइल ऑलरेडी अपलोड कर दी, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो। सभी चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है हमारी प्लेलिस्ट में, वहां पर जाइए, ध्यान से सभी वीडियो को देखिए और एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स लाइए। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। बट उससे पहले फिर से एक बार कहना चाहूंगा, एग्जाम का टाइम चल रहा है, मैक्सिमम लोगों तक हमारे इस चैनल को शेयरिंग कर दीजिए, जिससे मैक्सिमम लोगों के साथ कनेक्ट हो सकूं। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं गुजरात यूनिवर्सिटी 2018 में आ चुका हुआ सम लेवर टर्नओवर रेट का। यहां पर मैंने सम को राइट किया शॉर्टकट में, आप पेपर को डाउनलोड कीजिएगा और वहां से जरूर देख लीजिएगा एक बार, फिर भी अगर यहां से समझ में ना आए तो, बट यहां पे शॉर्टकट में लिखा है, आपको समझ में तो आ ही जाएगा। इस टाइप का एक सम है। यहां पर नंबर ऑफ एम्प्लॉय की संख्या दी, दैट मींस यहां पे कामदारों की संख्या दी गई, जहां पर यहां पे मैंने लिखा लेबर टर्नओवर रेट, गुजराती में कहेंगे मजूर फेरबदली दर। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बिगनिंग ऑफ द ईयर एम्प्लॉय, यानी कि शुरुआत के जो एम्प्लॉय थे हमारे पास, शुरुआत के एम्प्लॉय टोटल कितने हमारे पास 1200, राइट। फिर यहाँ पे लिखा एंड ऑफ द ईयर, यानी कि अंत में हमारे पास कर्मचारियों की संख्या, दैट मीन्स कामदार की संख्या, एम्प्लॉय की संख्या कितनी रह गई थी 1800। फिर यहाँ पे लिखा रिजाइन एम्प्लॉय, इतने लोगों ने क्या कर दिया, राजीनामा दे दिया, कितने लोगों ने 100 लोगों ने, राइट। फिर यहाँ पे लिखा डिस्चार्ज एम्प्लॉय, दैट मीन्स इतने कामदारों को छुट्टा कर दिया, कितने लोगों को डिस्चार्ज किया गया, 50 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया। एंड रिप्लेस, यानी उनकी जगह पे नए लोगों को लाया गया, कितने लोगों को, 75 लोगों को। और इस सम को आपको तीन मेथड से सॉल्व करने को कहा गया था। नंबर 1 सेपरेशन मेथड, जिसे हम गुजराती में कहते हैं छोटा थैल कामदार पद्धति, या फिर इसका दूसरा नाम त्याग पद्धति भी, आपको एक मेथड ये सॉल्व करनी है। एंड सेकेंड मेथड आपको सॉल्व करने को कहा गया था यहाँ पर रिप्लेसमेंट मेथड, जिसे गुजराती में कहेंगे पुनः स्थापना पद्धति, या फिर नवा निवायला कामदारनी संख्यानी पद्धति, राइट। एंड तीसरी मेथड से आपको सॉल्व करने के लिए कहा गया है यहाँ पर ज्वाइंट मेथड, या फिर से फ्लक्स मेथड कहते हैं, या फिर गुजराती में कहेंगे छूटा थैला नवा निवायल कामदारनी संयुक्त पद्धति। तो उम्मीद करता हूं कि तीनों पद्धति के नाम आपको पता चल चुके होंगे। अब हम एक एक करके सम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो इस तरीके से आपको एक हैडिंग लिखनी होगी, लिखना होगा आपको यहाँ पे सेपरेशन मेथड, गुजराती में लिखना होगा छूटा थैल कामदारनी पद्धति। अभी हमें क्या करना है, इसका फॉर्मूला याद करना है, किसका याद करना है, लेबर टर्नओवर रेट के सभी फॉर्मूले। तो आपको फॉर्मूला क्या होगा, सेपरेशन मेथड का फॉर्मूला बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ सेपरेशन अपॉन में एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय इनटू 100, गुजराती में कहेंगे छोड़ी गई कामदारनी संख्या भाग्या सरेराश कामदारनी संख्या इनटू 100। देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है। क्या आपके पास नंबर ऑफ सेपरेशन की संख्या दी गई, दैट मीन्स छोड़ी गई कामदार की संख्या दी गई, यस सर। हमारे पास जो डिस्चार्ज हुए, दैट मीन्स इन्होंने क्या कर दिया, कंपनी को छोड़ दिया ना, तो 50 लोग तो ये रहेंगे। एंड फिर जिन्होंने रिजाइन दिया, इन्होंने भी तो कंपनी को छोड़ दिया ना, दैट मीन्स टोटल कितने लोगों ने कंपनी को छोड़ दिया, सर 100+50, यानी कि 150 लोगों ने कंपनी को छोड़ दिया, उसी को हम बोलेंगे नंबर ऑफ सेपरेशन। गुजराती में कहेंगे छोड़ी गई कामदारनी संख्या कितनी हो गई, 100+50, टोटल कितना हो जाएगा, 150, राइट ना। अपॉन में क्या लिखा है, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय, गुजराती में क्या लिखा है, सरेराश कामदार की संख्या। ये हमारे सवाल में नहीं दिया, इसे हमें सॉल्व करना होगा। इसके लिए मैंने यहां पे एक फॉर्मूला लिखा, देखो यहां पे लिखा है ना सरेराश कामदार, गुजर इंग्लिश में कहेंगे एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय। फॉर्मूला क्या रहेगा इनका, शुरुआत के कामदार प्लस अंत के कामदार अपॉन में 2, बिगनिंग ऑफ द ईयर प्लस एंड ऑफ द ईयर अपॉन में 2। तो देख लेते हैं यहाँ पर, बिगनिंग ऑफ द ईयर के अंदर हमारे पास टोटल कितने एम्प्लॉय थे, शुरुआत में 1200 थे और एंड यानी कि अंत में कितने थे हमारे पास, 1800। तो आप इनकी एवरेज निकाल लीजिए। तो यहाँ पर मैं एवरेज निकाल देता हूँ, यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि आपको कंप्लीटली दिख रहा होगा, यस ना। और हमारी वीडियो आपके लिए कितने हेल्पफुल हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में राइट करके बताइएगा। तो शुरुआत में कितने थे हमारे पास, 1200, एंड में कितने थे हमारे पास, 1800, अपॉन में क्या कर देंगे एवरेज निकालने के लिए 2। तो यहां पे 1200 प्लस 1800 करेंगे तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा 3000 अपॉन में 2। तो यहां पर आपके पास
एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज या कामदार की संख्या कितनी आ गई 1500। तो आप यहाँ पर इजीली जहाँ पे रिक्वायरमेंट थी एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज या कामदार की रिक्वायरमेंट यहाँ पर थी ना, तो आप राइट कर दीजिए यहाँ पर 1500 एंड इनटू 100 तो क्या रहेगा कॉमन रहेगा। अब आपके पास कैलसी यूज करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 10%। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपको पहली मेथड यानी कि सेपरेशन मेथड आपको समझ में आ चुकी होगी। फिर भी कोई डाउट्स रह जाए तो कमेंट बॉक्स में राइट करके या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके विदाउट एनी हेजिटेशन आप मेरे साथ क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। वीडियो बनाने बहुत ही टाइम लगता है तो मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुँचना चाहिए जिससे मैक्सिमम लोगों की हेल्प हो सके। सो स्टार्ट करते सेकेंड मेथड राइट ना। तो यहाँ पर हमारे पास सेकेंड मेथड आ चुकी है। यस आई होप अभी आपको कम्प्लीटली दिखाई दे रहा होगा। यस रिप्लेसमेंट मेथड जिसे गुजराती में कहते पुनः स्थापना पद्धति या फिर दूसरा नाम है इसका नवा निवायल कामदारनी संख्या। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, हमें फॉर्मूला लिखना होगा। तो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट अपॉन में एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन 200। गुजराती में कहेंगे नवा जोड़ायल कामदार भाग या सरेरास कामदारनी संख्या इन 200। या फिर नवा जोड़ायल कामदार नहीं लिखना तो आप ऐसा भी लिख सकते खाली पड़ेल जगह है थैल निम्नरूपनी संख्या इन 200। तो हमारे पास एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय तो था ना, अभी हाल आपने सॉल्व किया था कितना आया था सर, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय हमने सॉल्व किया था सरेरास कामदार हमारे पास कितने आए थे 1500। तो ये तो कॉमन रहेगा तो यहां पर आप फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय लिख दीजिए। सरेरास कामदार की संख्या कितनी है 1500 इनटू 100। बहुत ही आसान सा, मैं इसे जरूर देख के जाइए और इस टाइप के जितने भी समय सभी के सभी लगाकर जाइएगा, आपके एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स आने वाले। फिर अभी नीट किसकी नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, हमारे पास नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट की संख्या थी क्या, ये सर हमारे पास नवा निवायल कामदार थे, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट कितने थे हमारे पास, ये रहा आपको दिख रहा है ना नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट कितने थे 75। नवा जोड़ायल कामदार की संख्या कितनी थी 75। तो यहाँ पर आप राइट कर दीजिए 75। बहुत ही आसान है, अभी क्या करना है केलसी यूज करना है। केलसी यूज करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर जाएगा 5%। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सेकेंड मेथड भी आपको समझ में आ चुकी होगी राइट ना। चलते हैं मेथड नंबर 3 के पास। तो मेथड नंबर 3 का नाम क्या था, छूटा थे लवा निवायल कामदारनी संयुक्त पद्धति गुजराती में कहेंगे और इंग्लिश में कहते हैं ज्वाइंट मेथड अदरवाइज फ्लक्स मेथड। फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, फॉर्मूला लिखना होगा। बहुत ही आसान फॉर्मूला जो आगे आपने मेथड नंबर 1 एंड मेथड नंबर 2 किया ना उसी का ये कॉम्बो है, नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट दोनों के दोनों आगे आप सॉल्व करके आ चुके हैं अपॉन में एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय, ये तो कॉमन रहेगा। बहुत ही आसान सा है इन 200। डरना नहीं एग्जाम से, एग्जाम आपकी बहुत ही अच्छी जाएगी। एंड गुजरात में कहेंगे छोड़ी गई कामदारनी संख्या प्लस नवा निवायल कामदारनी संख्या भाग या सरेरास कामदारनी संख्या इन 200। देख लेते क्या आपके पास नंबर ऑफ सेपरेशन की वैल्यू है। ये सर हमारे पास नंबर ऑफ सेपरेशन की वैल्यू है, हमारे पास नंबर ऑफ सेपरेशन कितना था 100 प्लस 50 150, या फिर आपको वहां से ना पता चलता हो तो ये आपने सॉल्व किया था। नंबर ऑफ सेपरेशन छोड़ी गई कामदार की संख्या कितनी आ गई थी 150। तो आपको यहां पे सिर्फ क्या राइट करना है, नंबर ऑफ सेपरेशन के प्लेस पे 150 लिखना है। कहां से लाए हो, मेथड नंबर 1 से लाए। फिर क्या लिखे, नवा निवायल कामदारनी संख्या, तो मेथड नंबर 2 के पास से लेकर आते हैं। ये रहा हमारे पास नवा निवायल कामदार की संख्या, दैट मींस रिप्लेसमेंट की संख्या कितनी थी हमारे पास 75। अगर वहां से नहीं आता तो यहां पे देख लो रिप्लेसमेंट कितना था 75, नवा निवायल कामदार कितने थे 75। तो आप यहां पे राइट कर दीजिए 75। तो 150 प्लस 75 अपॉन में क्या लिखा हुआ है, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय, सरेरास कामदार की संख्या कॉमन याद हो चुका, कितना था याद करो फटाफट कमेंट में बताओ सर 1500। वेरी गुड इन 200। आपके पास कैलसी, आप कैलसी यूज करेंगे तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा 15%। और ये कंप्लीट हो चुकी है गुजरात यूनिवर्सिटी 2018 में तीन मेथड पूछी गई, तीनों की तीनों मेथड मैंने आपको समझा दी। अब बाई चांस एग्जाम में कुछ आपसे एक्स्ट्रा पूछा जाए तो वो भी मैं आपको समझाना चाहता हूं। अगर आपके एग्जाम में एक्स्ट्रा कुछ ऐसा पूछा जाए जो कि आपकी बुक में से एग्जाम्पल नंबर 17 में से बताने जा रहा हूं, अगर आपके एग्जाम में ऐसा पूछा जाए समकक्ष वार्षिक मजूर फेरबदली दर भी ज्ञात करके हमें बताइए, और इंग्लिश में कहा जाएगा EAR अपने को सॉल्व करना है, इक्विवेलेंट एनुअल टर्नओवर रेट इसे हम कहेंगे इंग्लिश के अंदर। तो किस तरीके से सॉल्व करना है, जो भी आपका आंसर आता लाइक एग्जांपल यहां पे 6% आंसर आया था, यहां पर हमारा आंसर कितना आया था 15%। तो आप यहां पे राइट कर देंगे 15 एंड इनटू हमेशा एक साल में कितने दिन होते 365 इनटू आपको हमेशा 365 करना होगा। एंड जैसे कि यहां पे कौन सा मंथ दिया था, यहां पे अप्रैल मंथ था इसलिए अप्रैल मंथ की डे लिख दीजिएगा, कितने
कितने लिख दिए 30 डे। बाई चांस एग्जाम के अंदर अभी कौन सा डे महीना चल रहा है, जनवरी चल रहा है, बाई चांस वहां पे जनवरी दिया हो या फरवरी दिया हो या मार्च दिया हो, अप्रैल वहां पे भी दिया गया हो, तो अपॉन में आपको सिर्फ क्या करना होगा, 30 करना होगा। एंड केएलसी यूज करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा उसे हम बोलेंगे ई ए आर इंग्लिश में, और गुजराती में कहेंगे समकक्ष वार्षिक फेरबदल, वार्षिक मजूर फेरबदली दर। तो ये एक्स्ट्रा मैंने आपको समझा दिया क्या करना है, जो भी आपका आंसर आएगा उसे आपको यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट करना है, इंटू 365 करना, और यहाँ पे जो भी मंथ आपकी एग्जाम में दिया गया उस मंथ के डे आपको यहाँ पर लिखने होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ आपको समझ में आ चुका होगा, फिर भी मैं होमवर्क में देना चाहूंगा एक बार एग्जाम्पल नंबर 17 की प्रैक्टिस, और इस टाइप के जितने भी सम एग्जाम्पल नंबर 17, 18, 19, 20, 21 इन सभी को एक बार जरूर लगा के जाइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।